26 जनवरी को लेकर शनिवार को पंजाब पुलिस के आईजी व कपूरथला के एसएसपी फगवाड़ा चेकिंग करने के लिए पहुंचे थे। उनकी अगुवाई में फगवाड़ा के डीएसपी अपनी पुलिस टीम के साथ पूरी तरह एक्टिव नजर आए। लेकिन फगवाड़ा पुलिस की असलियत क्या है? क्या सच में पुलिस लोगों की चेकिंग कर रही है या फिर पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने खानापूर्ति ही की गई थी? इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए दैनिक सवेरा टीम की ओर से रविवार 10 बजे से 11:45 तक करीब 2 घंटे अर्बन एस्टेट चौक से लेकर शहर के 15 चौकों का रियलिटी चेक किया गया, जिसमें एक भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात नजर नहीं आया। आइए दिखाते हैं क्या है फगवाड़ा पुलिस के पुख्ता प्रबंध। पेश है कैमरामैन अरुण कुमार के साथ अमनदीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट। दैनिक सवेरा फगवाड़ा टीवी ते तुहाडा स्वागत है और मैं हाँ अमनदीप शर्मा। 26 जनवरी नूं लैके पुलिस वालों चैकिंग अभियान शनिवार नूं चलाया गया सी कि आईजी और एसएसपी दी अगवाई दे विच फगवाड़ा पुलिस ने शहर दे विच नाकाबंदी कीती होई सी और चैकिंग कीती ते के चैकिंग किन्नी को कारगर साबित हो रही है। अज इसका रियलिटी चेक करने लई असी अर्बन स्टेट फगवाड़ा दे चौंक दे विच खड़े हाँ ते शहर दिया मेन 13 एंट्रियां दे उते असी तुहानू दिखावांगे कि फगवाड़ा पुलिस किन्नी की सक्रिय है और किन्नी की नहीं है। ये सारी दी असी तुहानू ग्राउंड रियलिटी दिखाउण जा रहे हाँ। इस वेले मैं कैमरामैन अरुण कुमार नूं कहूँगा कि पूरा ये अर्बन स्टेट चौंक दिखाया जाए कि इत्थे पुलिस की तैनाती की हैगी आ ते की नहीं हैगी। इस वेले तुसी देख रहे हो कि इत्थे सिर्फ बैरीकेड ही नज़र आ रहे हैं ते जां खाली चौंक नज़र आ रहा। ये मेन एंट्री केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश दे घर नूं जा रही है ते जिथे सुरक्षा प्रबंध बिल्कुल जीरो ने। इस वेले असी खड़े हाँ हादियाबाद चौंक दे विच ते 11:20 का समा हो चुका है। इस चौंक दे विच बैरीकेटां दे वजों ड्रम रखे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इन नाकियां दे उपर पुलिस मुलाजम इत्थे भी नज़र नहीं आ रहे। इस वेले जिहड़ा ये समा चल रहा है 26 जनवरी नूं लैके पूरे पंजाब दे विच जिहड़ी कि आईजी रैंक दे ऑफिसरां दी अगवाई दे हेठ चैकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ते सुरक्षा दे प्रबंधां नूं लैके जिथे डीजीपी पंजाब गंभीर नज़र आ रहे हैं लेकिन उन्हां दी जिहड़ी ग्राउंड टीम है फगवाड़ा पुलिस इस आदेश नूं गंभीरता नाल मनदी नहीं नज़र आ रही। असी खड़े हाँ नकोदर तो फगवाड़ा दी मेन एंट्री दे उत्ते। ये सड़क जो नकोदर तो आ रही है और शहर दे विच मेन एंट्री है, इस मेन एंट्री दे उत्ते भी कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई मुलाजम मौजूद नहीं है, कोई नाके वाला मौजूद नहीं है ते ना ही कोई पीसीआर कर्मी गश्त करता ही नज़र आया। ते इस प्रबंध ने फगवाड़ा पुलिस दे 26 जनवरी दे सुरक्षा प्रबंधा नूं लैके जो तुहाडे सामने असी कैमरे राही दिखा रहे हैं। इस वेले रात 11:20 का समा हो चुका है ते पुलिस हदियाबाद चौंक चों भी गायब नज़र आई है। इस वेले 10:10 का समा हो चुका है ते असी कोर्ट कॉम्पलैक्स कचहरी चौंक दे विच हाँ जिथे सुरक्षा प्रबंधा नूं लैके दैनिक सवेरा की टीम जायजा करन आई है ते इस वेले भी इत्थे भी कोई भी पुलिस अधिकारी सानू मौजूद नहीं मिलिया। करीब 10 बजे असी अर्बन स्टेट चौंक सी, उत्थे भी कोई भी पुलिस अधिकारी नज़र नहीं मिलिया, जबकि शनिवार को आईजी और एसएसपी की अगवाई दे विच फगवाड़ा पुलिस की वलों चैकिंग अभियान नाकाबंदी की खानापूर्ति जरूर की गई सी। लेकिन असलियत की है उस चैकिंग की, उस नाकाबंदी की, उस सुरक्षा की, फगवाड़ा वासियों की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे ही नज़र आ रही है। इस वेले तुसी देख रहे हैं, मैं कैमरामैन अरुण कुमार कहूँगा कि पूरे चौंक का एक बारी जिहड़ा दृश्य है वह दिखाण कि इस वेले ना तां चौंक दे विच कोई सुरक्षाकर्मी नज़र आ रहा ते ना ही कोर्ट कॉम्पलैक्स दे विच। कोर्ट कॉम्पलैक्स दे एक पासे तहसील कॉम्पलैक्स भी आ जिथे लोगों का माल विभाग का सारा रिकॉर्ड इत्थे पिया आ, गेट खुला नज़र आ रहा, इत्थे कोई भी जिदा मर्जी एंटर कर सकता, किसी नूं कोई रोक टोक नहीं है। ते मैं एक बार कैमरामैन नूं फिर कहूँगा कि पूरे चौंक का दृश्य दिखाण ताकि
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।